इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स और मैगजलरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे क्रेफिश एक एग्जाम्पल है सब फाइलम क्रस्टेशियंस की इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ एंटीनल ग्लैंड एंटीनल ग्लैंड को हम ग्रीन ग्लैंडस भी कह देते हैं क्योंकि इनका कलर जो है ये ग्रीन है अब ये ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट हैं दे आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ सेकेंड एंटीन एंड दे आर ग्रीनिश इन कलर फिर दूसरे क्रस्टेशियंस के अंदर जो दूसरे टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गेंस हैं उनको हम कहेंगे मैगजलरी ग्लैंड मैग्जलरी ग्लैंड जैसा कि नाम से अंडरस्टूड है दे आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ द मैगजीला और मैगजीला में सेकेंड मैगजीला के अंदर ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड जो हैं ये मौजूद होंगे अब इसमें अगर इन दोनों ग्लैंड्स को हम देखें तो स्ट्रक्चरली ये दोनों एक्सक्रीटरी क्लैंड दे आर सिमिलर टू तो द कागजिलर ग्लैंड्स। कॉगजल ग्लैंड कहाँ मौजूद थे ये एरेक्निड्स में थे और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एरेक्निड्स और क्रस्टेशियंस की कॉमन एवोल्यूशनरी बेस हो सकती है क्योंकि इनके ग्लैंडस का और काक्जल ग्लैंडस का एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है फिर जो इन ग्लैंड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ से आएंगे दे आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड आय शुगर्स अमाइनो एसड्स ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वहाँ से रीऑब्ज़ॉर्ब होंगे और रिआबज़ॉर्ब बिफोर दे आर कैरीड आउट थ्रू आउट द बॉडी बाई डल्यूशन ऑफ़ द यूरिन इसके अलावा बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है दैट इज़ अमोनिया अमोनिया जो है दैट इज़ द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स इसके अलावा क्रे फिश जो है वो अपनी पूरी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन एंटीनल ग्लैंड्स पे ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करती अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बल्कि अमोनिया जो है दैट इज़ एक्सक्रीटिड आउट द बॉडी बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द थिन पार्ट्स ऑफ द एक्सोस्कैलट हम ये फिर कह सकते हैं कि अमोनिया जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इज सॉलेबल इन वाटर और वाटर जो है रेपिडली डायल्यूट इट जितने भी अब क्रस्टेशन जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर देयर इज रेपिड इन फ्लक्स ऑफ वाटर अब वेन देर इज रैपिड इन फ्लक्स ऑफ वाटर तो उससे रैपिड आउटफ्लक्स ऑफ आयंस या अमोनिया का भी टेक्स प्लेस होगा अब एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर जो है इसके अलावा रिअबॉर्बेशन ऑफ आयंस ये दोनों प्रोसेस जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट इसके अलावा जो एक्वेटिक क्रस्टेशियंस हैं इनके अंदर गिल्स भी मौजूद है गिल्स क्या करते हैं इनकी सरफेस जो हैं दे आर गिल सर्फेसिस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सप्रीशन ऑफ अमोनिया वाटर एंड आयल रेगुलेशन और इस फिनमिना को हम क्या कह देते हैं साइंटिफिकली ऑसमो रेगुलेशन ऑसमो रेगुलेशन इज द प्रोसेस दैट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल क्रस्टेशन लाइक क्रेफिश क्रे फिश में यहाँ पे आप देखें दीज आर द स्ट्रक्चर which we discussed as an excretory organs these are antennal glands this is the digestive glands this antennal gland it is green in color that is uh, why it is called green uh, uh, this is called green gland also so this gland is important and plays important role in the excretion of waste products in the body of crayfish